అప్డేట్ చూద్దాం. భారత మాజీ నౌకాదళ అధికారి కుల్భూషణ్ జాదవ్ విషయంలో పాకిస్తాన్ హేయంగా ప్రవర్తించిందని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ వ్యాఖ్యానించారు. జాదవ్ కుటుంబంతో పాక్ ప్రవర్తించిన తీరును ఆమె పార్లమెంట్లో ఖండించారు. జాదవ్ను విడిపించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని సుష్మా వెల్లడించారు. परसों विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी स्थिति सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट की थी और कल इस मुलाकात से उपजी आपत्तियों को हमने राजनयिक माध्यमों के जरिए पाकिस्तान को भी बता दिया है. उनमें से कुछ का उल्लेख मैं सदन में करना चाहूंगी. सबसे पहला, सभापति जी, हमारे बीच ये स्पष्ट समझौता था कि मीडिया को श्री जाधव की मां और पत्नी के नजदीक आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी प्रेस को न केवल परिवार के समीप आने का मौका दिया गया बल्कि उन्हें तरह तरह के अपशब्दों से संबोधित करके परेशान किया गया, ताने उलाने दिए गए, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उनके सामने श्री जाधव को जबरन आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया. दूसरा, सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक बदलवा दिए गए और पहनने के लिए अपनी ओर से वस्त्र दिए गए. श्री जाधव की मां जो केवल साड़ी पहनती हैं, उन्हें साड़ी के बजाय सलवार कुर्ता पहनने पर मजबूर किया गया. उनकी पत्नी की बिंदी चूड़ियां और मंगलसूत्र भी उतरवा दिए गए. यहां सुधार करना चाहती हूं, केवल पत्नी की नहीं उनकी मां के भी चूड़ी बिंदी और मंगलसूत्र उतरवा दिया गया. और यहाँ सदन में मुझसे कोई गलत बयानी न हो जाए इसलिए आज सुबह मैंने उनकी माँ से दोबारा बात की और पूछा कि क्या आपके भी बिंदी चूड़ी मंगलसूत्र उतरवाया था. तो उन्होंने भरे गले से कहा कि जिस समय वो मंगलसूत्र उतरवा रही थी तो मैं ये कह रही थी ये मेरा सुहाग का चिन्ह है, इसे रहने दे, मैंने कभी नहीं उतारा. तो उसने ये कहा, जी मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो ऑर्डर है, ऑर्डर का पालन करना. और उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा कि बैठते ही कुलभूषण ने मुझसे कहा, बाबा कैसे हैं, क्योंकि मेरे